आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन सेज इन अ डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन वन ऑफ द प्रोडक्ट जो है वो आपका इनसॉल्युबल होता है, राइट। सो आपसे पूछा गया कि इस टाइप ऑफ रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, फाइन। सो देखो, सबसे पहले तो आपको समझना होगा कि व्हाट इज डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन, फाइन। सो डबल डीकंपोजिशन रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, राइट, इट इज लाइक ऑफ आपकी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ही होती है आपकी ये बेसिकली। सो इसमें होता क्या है बेसिकली कि इसमें आपके पास क्या होता है कि जो आपके पास दो रिएक्टेंट्स होते हैं, आपके पास टू रिएक्टेंट्स होते हैं, फाइन। एंड टू रिएक्टेंट्स में हमारे पास जो पार्ट होता है आपका, मतलब कि टू रिएक्टेंट्स होंगे वो बेसिकली कंपाउंड्स टाइप होंगे आपके पास, राइट। तो उसमें एक अनायनिक पार्ट भी होगा और एक आपके पास क्या होगा, कटायनिक पार्ट भी होगा, राइट, क्लियर। सो होता क्या है कि दोनों रिएक्टेंट्स के बाद अनायनिक एंड कटायनिक पार्ट होगा। सो दोनों रिएक्टेंट्स के क्या होते हैं कि या तो अनायनिक पार्ट जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, या दोनों के क्या होते हैं, कटायनिक पार्ट जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, राइट। सो अगर आपस में चेंजेस टेक प्लेस कर रहे हैं दोनों में, सो ऐसी रिएक्शंस को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज कर लो, मतलब आपके पास क्या एक ए एक्स है और एक आपके पास क्या बी वाई कंपाउंड है, राइट, और यहाँ से आपके पास बन रहा है ए वाई प्लस बी वाई। सो इसमें आप देख सकते हो कि एक्स ने वाई को इंटरचेंज कर दिया और वाई ने एक्स को, राइट। सो ऐसी रिएक्शंस को डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, राइट। सो अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेती हूँ आपके पास केमिकल रिएक्शंस का जो केमिस्ट्री में टेक प्लेस करती है, जैसे कि सपोज कर लो मैंने आपका ले लिया सिल्वर नाइट्रेट दैट इज AgNO3 और मैंने आपका ले लिया NaCl दैट इज सोडियम क्लोराइड। सो इसमें क्या होगा कि इसमें बेसिकली होता क्या है कि या तो आप ऐसे समझ सकते हो कि देखो AgNO3 में आपका अनायनिक पार्ट क्या है NO3 नेगेटिव और यहाँ पर क्या है Cl नेगेटिव, राइट। सो होने वाला क्या है, यहाँ पर NO3 नेगेटिव जो होगा वो आपका डिस्प्लेस हो जाएगा, मतलब रिप्लेस हो जाएगा बाय Cl नेगेटिव। सो आपके पास बन जाएगा AgCl और आपके पास Cl नेगेटिव NO3 नेगेटिव हो जाएगा और आपके पास बन जाएगा NaNO3, राइट। सो AgCl होते सिल्वर क्लोराइड बन गया और आपका सॉल्ट आपका बन जाता है सोडियम नाइट्रेट, राइट। सो यहाँ पर AgCl जो होता है इसकी प्रेसिपिटेट आपको बेसिकली मिलती है और ये आपका क्या होता है, एक इनसॉल्युबल प्रोडक्ट है, फाइन। सो हमेशा क्या होता है कि डबल डीकम्पोजिशन रिएक्शन में एक प्रोडक्ट जो होता है वो आपका इनसॉल्युबल प्रोडक्ट होता है, इसलिए ऐसी रिएक्शंस जिसमें इनसॉल्युबल प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है, सो उन रिएक्शंस को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस भी कहते हैं, राइट। सो ये आपकी बेसिकली क्या है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है, फाइन। सो ये आपका फाइनल आंसर होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।